जोहार जय मुनिवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएनटीवी। आज 7 अगस्त है। आज से 31 साल पहले यानी 7 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह द्वारा संसद में मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने की घोषणा हुई। उसके बाद 13 अगस्त को इसके लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला गया। 14 अगस्त को ही यानी ऑर्डर निकालने के एक दिन बाद ही मंडल यानी आरक्षण विरोधी जो लोग हैं उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। वो मंडल कमीशन को अदालत लेकर गए। 15 अगस्त को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से मंडल कमीशन लागू होने की ऑफिशियल घोषणा जो है, औपचारिक घोषणा जो है वो कर दी। इसके पहले हम अगर देखते हैं कि ये इतनी जल्दबाजी में सब कुछ क्यों हुआ, क्योंकि चौधरी देवीलाल हो या कांशीराम साहब हो, लालू प्रसाद यादव हो, शरद यादव, इन लोगों ने सरकार पर एक दबाव बनाया था और 11 अगस्त 1990 को दिल्ली में एक बड़ी रैली करने की घोषणा भी उन्होंने की थी और उसकी तैयारी सभी जगहों पर चल रही थी। इस दबाव में आकर प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह इन्होंने 7 अगस्त को ही मंडल कमीशन लागू करने का फैसला किया। 31 साल हो गए हैं मंडल कमीशन लागू होकर, अभी तक पूरा जो मंडल कमीशन की सारी सिफारिशें थे वो लागू नहीं हुई। मंडल कमीशन का केवल एक कोना लागू हुआ है, बाकी मंडल कमीशन लागू होना बाकी है। इस 30-31 सालों में मंडल कमीशन कितना कितना लागू हुआ, उसके क्या परिणाम हुए, सामाजिक तौर पर राजनीतिक तौर पर क्या परिणाम हुए, ये हम आज की इस चर्चा में देखने वाले हैं। हमारे साथ बामसे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब हमसे जुड़े हुए हैं नई दिल्ली से। इसके अलावा कुमार काले सर एमएनटीवी के मुख्य संपादक, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं। सर, इन 30-31 सालों के अगर मंडल कमीशन की बात करें तो आप इसको किस प्रकार से देखते हैं, क्या कुछ लाभ हुआ है इसका, अगर इसकी अगर समीक्षा करनी जाए तो आप क्या कहेंगे? ये जो मंडल कमीशन लागू हो गया तो उसके कुछ परिणाम जो है वो दिखाई देते हैं। खास तौर पर भारत के राजनीति में, जिसमें जी दो तीन बातें कहा जा सकता है। तो एक तो सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर जो परिणाम हुआ, इस देश की जो ब्राह्मणवादी राजनीति है और ब्राह्मणवादी राजनीति का कंट्रोल है भारत के राजनीति पर, तो उन्होंने अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए अपने दाव पेच में परिवर्तन किया और केंद्रीय सत्ता पर अपना ही नियंत्रण कैसे बना रह सकता है इसके लिए अपने दाव पेच में परिवर्तन किया। राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत कांग्रेस, इन्होंने एक काम किया कि उनके पार्टी के अंदर जो ओबीसी के लोग थे उन लोगों को बीजेपी ने सामने लाया और उनको मुख्यमंत्री पद बहाल किया, चाहे बीजेपी के लोग हो चाहे कांग्रेस के लोग। जैसे महाराष्ट्र का उदाहरण ले लो तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने गोपीनाथ मुंडे को सामने किया। जी अगर हम महाराष्ट्र का देखें, और गोपीनाथ मुंडे के पहले भी अन्ना डांगे हैं जो धनगर जाति के, अभी तो वो बीजेपी में नहीं है मगर उस समय वो बीजेपी में थे। दूसरा नासर फरांदे, ये माली जाति के, इसको उन्होंने प्रोजेक्ट करने का काम किया। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लो, मध्य प्रदेश में अभी जो शिवराज सिंह चौहान है वो ओबीसी की जाति का है,
उसको उन्होंने वहां मुख्यमंत्री बनाया। एमबीसी में आती है ना सर कम्युनिटी? नहीं, गिरार शायद एमबीसी में नहीं। नहीं, और गोपीनाथ मुंडे जो है अगर मारे नहीं जाते तो वो भी मुख्यमंत्री बनते फडणवीस के जगह। उसके चौहान के पहले उमा भारती जी जो लोध कम्युनिटी के, और उसी के आसपास एक और बीजेपी का ओबीसी चेहरा था, वो अहिर यादव जाति का था, वो भी मुख्यमंत्री बनाया गया था, बाबूलाल गौर। हाँ, तीसरा मुद्दा, अभी ये तो बीजेपी के नाम हो गए, कल्याण सिंह भी उत्तर प्रदेश से सर उसमें। हाँ, तो ये नहीं, मध्य प्रदेश का उदाहरण दे रहा हूँ जी, जी। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में किसी यादव को उन्होंने, कांग्रेस ने प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था मध्य प्रदेश में, जबकि वहां ब्राह्मण और राजपूतों का कांग्रेस में डोमिनेशन हुआ करता था। तो मंडल राजनीति के बाद कांग्रेस ने भी ये खेल करने की कोशिश की। अब आप छत्तीसगढ़ का उदाहरण ले लो जो मध्य प्रदेश से निकला हुआ है, तो बीजेपी ने एक राजपूत को 15 साल मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद कांग्रेस ने उसको हटाने के लिए ओबीसी चेहरे का इस्तेमाल किया। और अभी जो वहां जो मुख्यमंत्री है वो कुर्मी जाति का है, कांग्रेस का है, बघेल। बघेल। राजस्थान का उदाहरण ले लो, अशोक गहलोत मारी जाति का है। आज अगर हम देखें तो ये सारी बातें दिखाई देती है कि जो ब्राह्मण डोमिनेशन वाली जातियां थी, उन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से इनको काउंटर करने के लिए और केंद्रीय सत्ता पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए, और ओबीसी में जो उभार हो रहा है उसका फायदा लेने के लिए, और सत्ता हमारे ही नियंत्रण में रहे इसकी खबरदारी लेने के लिए ब्राह्मणों ने कुछ दाव पेच किए, जिसके तहत ये खेल उन्होंने खेला, ऐसा दिखाई देता है। बिहार का उदाहरण ले लो, बिहार से लालू प्रसाद यादव का कब्जा तभी हटा जब बीजेपी ने एक ओबीसी के आदमी को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया चुनाव के पहले, नीतीश कुमार को। उसके बाद ही बिहार में लालू प्रसाद का कब्जा जो है फ्री हो गया, और वहां बीजेपी के लोगों ने अंदरूनी एक खेल खेला कि लालू प्रसाद यादव ने जो वहां अपने राजनीति के लिए यादव लोगों का एक बेस सोर्ट तैयार किया था, उसके विरोध में नॉन यादव जातियों की प्रतिक्रिया निर्माण करने का काम उन्होंने किया, खासतौर पर मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को यादव जाति के विरोध में प्रतिक्रिया निर्माण करके उसका फायदा लेने की कोशिश की। और ये लगभग अभी 15 साल हो गया, ये खेल बीजेपी का अभी कामयाब है और ये खेल चल रहा है। यदि कांग्रेस ने एक बनिया जाति के आदमी को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में नहीं बनाया होता और एक ओबीसी आदमी को मुख्यमंत्री बनाया होता तो शायद बीजेपी को तोड़फोड़ करने में कामयाबी हासिल नहीं होती। हो सकता है ऐसे, एक तो ये बात है, मगर ये बात इनकार नहीं किया जा सकता कि मंडल की वजह से ओबीसी के जातियों में जागरण हुआ। मगर ये जागरण ऐसा देखने में आया, ये जागरण जातीय स्तर पर ज्यादा है, जातीय स्तर पर बहुत बड़े पैमाने पर है।
उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लो, कुशवाहा ने, उपेंद्र कुशवाहा ने कुशवाहा जाति को आधार बनाकर एक पार्टी बनाई, नीतीश कुमार ने कुर्मी जाति को आधार बनाकर एक पार्टी बनाई। तो ये तो प्रतिक्रिया थी ना यादव की, यादव के विरोध में। तो ये जातीय जागृति जो है, हमने एक अभियान चलाया था जातीय जागृति ब्राह्मणवाद का भक्ष बनेगी। तो बिहार में एक ओबीसी के आदमी को कांग्रेस के ब्राह्मणवादी राजनीति के शरण में जाना पड़ता है, और दूसरे कुर्मी जाति के लोगों को और कुशवाहा जाति के लोगों को बीजेपी के ब्राह्मणों के नीचे लगना पड़ता है। यानी ब्राह्मणों ने क्या किया, फिर जातियों में झगड़ा लगाकर उनमें विभाजन पैदा करके फिर इस जातीय जागृति का फायदा लेने की कोशिश की। मंडल तो ओबीसी के लिए लागू हुआ, ओबीसी के नाम पर लागू हुआ, मगर ओबीसी एज सच, ओबीसी के जातियों में जागृति का अभाव है, इसीलिए नेशनल लेवल का कोई संगठन ओबीसी के अंदर अभी तक कोई बन नहीं पाया। ओबीसी के जो भी संगठन है या राजनीतिक संगठन है वो जाति आधारित संगठन है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लो, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का दूसरा, अभी ओम प्रकाश राजभर का, बाबू सिंह कुशवाहा का, तो ये सारा जातीय जागृति है। ओबीसी के नाम पर जागृति दिखाई नहीं दे रही, लेकिन सर इसका जैसे हम कहते हैं कि भागीदारी प्रशासन में और विश्वविद्यालयों में जितने भी लोकतांत्रिक संस्थाएं है उसमें भागीदारी की अगर बात करें तो 27% रिजर्वेशन जो है 1990 को ही लागू कर दिया गया था, या 92 में जो इसका सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश आया उसके बाद से, तो क्या ओबीसी की भागीदारी इन प्रशासनिक सेवाओं में बढ़ी या जैसे थे परिस्थिति आज 31 साल के बाद भी है? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि ये परसेंटेज 5.4 तक है, यानी 25-30 साल में 2.4% ही अमल में लाया गया। इतना कम परसेंटेज क्यों अमल में लाया गया 27 में से, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि उन जातियों के जो राजनीतिक दल है उन्होंने कभी भी इस सामाजिक मुद्दे को अपना एजेंडा कभी भी नहीं बनाया। उन्होंने कभी भी इस मुद्दे को राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर अमल करने के लिए कभी भी अपना एजेंडा नहीं बनाया। जब भी उनको सत्ता आई, जैसे फॉर एग्जांपल अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एससी एसटी के रिजर्वेशन इन प्रमोशन के मुद्दे को विरोध किया, और ये विरोध काय के लिए किया कि जो 8.5% ब्राह्मण है वो खुश होना चाहिए, वो नाराज नहीं होना चाहिए। जबकि उत्तर प्रदेश का जो ब्राह्मण है वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देता जी। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी को भी वोट नहीं देता। यदि बहुजन समाज पार्टी किसी ब्राह्मण को टिकट देती है उस ब्राह्मण को वो वोट देते हैं, अगर वो जीतने के चांसेस है तो। जैसे मायावती ने 80 सीटें दी थी 2007 में, तो उसमें 80 में से 45 सीटें चुनकर आई बीएसपी की जी। तो ब्राह्मणों ने बीएसपी को वोट दिया इसलिए नहीं आई थी,
ब्राह्मणों ने ब्राह्मण कैंडिडेट को वोट दिया, ब्राह्मणों ने ब्राह्मण कैंडिडेट को वोट दिया, और जो बेस वोट था इनका वो दोनों को क्लब करके वहां पर उन्होंने चुनाव जीता। तो ब्राह्मणों को लगा यार यहाँ हम लोग अपने कैंडिडेट को जितवा सकते हैं, तो अपने कैंडिडेट अपने जाति के ब्राह्मणों को जितवाने के लिए बीएसपी के कैंडिडेट को चुनाव जीता दिया। उसी तरह से समाजवादी पार्टी ने 40 लोगों को टिकट दी, उसमें 23 ब्राह्मण चुनकर आए, वहां ब्राह्मणों ने 23 जगह पर ब्राह्मणों को वोट दिया, बहुजन समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया। ब्राह्मण कभी भी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देते हैं या बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं देते, क्योंकि उस पार्टी को वो अपनी पार्टी नहीं मानते। जहां तक पार्टी मानने का सवाल है, वो कांग्रेस को और बीजेपी को ही अपनी पार्टी मानते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकली कॉन्शियस है, वो जानते हैं कि बीजेपी को ब्राह्मणों ने बनाया है, कांग्रेस को ब्राह्मणों ने बनाया है, तो ये ब्राह्मणों ने हमारे लिए बनाया है, वो ये जानते। मगर बहुजन समाज पार्टी चलाने वाले जो लोग हैं, मायावती या अखिलेश यादव, इनको ऐसा लगता है कि ब्राह्मण हमारे पार्टी को वोट दे, इसके लिए वो उनके पीछे लगे रहते हैं। मगर उनको वोट वो देते नहीं है। अभी एक सर्वे रिपोर्ट आया उत्तर प्रदेश में, उस सर्वे में पहले नंबर का मतलब ब्राह्मणों ने पहले नंबर वोट देने का किया कि हम बीजेपी को वोट देंगे, दूसरा नंबर कांग्रेस को देंगे, तीसरा नंबर समाजवादी पार्टी को देंगे, बहुजन समाज पार्टी को, और चौथा नंबर समाजवादी पार्टी। उन्होंने ऐसा नंबर लगाया। तो इस तरह से उनका प्रेफरेंस निर्धारित है, मगर इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी में और समाजवादी पार्टी में कंपटीशन चल रहा है कि ब्राह्मणों के वोट हमको मिलने चाहिए, ब्राह्मणों के वोट हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यदि समाजवादी पार्टी ने या बहुजन समाज पार्टी ने 52% ओबीसी की लड़ाई लड़ी होती, या उनके साथ सामाजिक के साथ साथ आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक न्याय भी किया होता, तो उनका इस्तेमाल बीजेपी के लोग जो कर रहे हैं वो करने में कामयाब नहीं होते। इन्होंने भी इस बात को ध्यान में नहीं रखा, तो बीजेपी को, आरएसएस को, विश्व हिंदू परिषद को मौका मिल गया। मिश्रम जी, मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब मंडल कमीशन बना 78 से ये प्रक्रिया शुरू हुई, तो उसी समय में बामसे भी एक संगठन के तौर पर निर्माण हुआ था, और ये जो सारा 30-31 साल का जो ये डेवलपमेंट है, ये बामसेप ने भी उसको उसी समय में काम किया है, तो ये सारा डेवलपमेंट जो है इस चीजों में बामसेप का भी बहुत बड़ा रोल रहा होगा। मंडल कमीशन को लागू करने के लिए कांशीराम जी के द्वारा जेल भरो आंदोलन भी किए गए थे। तो इन 30 सालों में पिछड़े वर्ग के निर्माण के लिए या पिछड़े वर्ग के जागरण और मंडल कमीशन के मुद्दों को लेकर बामसेप इस मुद्दों को या इस 30 साल के आंदोलन को किस दृष्टि से देखती है? देखो, इस बात को समझने के लिए बैकग्राउंड में जाकर एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जब 81 में मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया, तो आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने इसको काउंटर करने के लिए राम मंदिर का आंदोलन शुरू किया, और कांग्रेस ने इसको काउंटर करने के लिए खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान का नारा लगाया। दोनों द्विजों के यानी ब्राह्मणों की पार्टियों ने खेल खेलने की कोशिश की इसके विरोध में, मगर खुलकर मंडल का विरोध करने के नाम पर वो सामने नहीं आ रहे थे, खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान के नाम पर आ रहे थे, और ये लोग राम मंदिर के नाम पर मंडल कमीशन का विरोध कर रहे थे। उनका विरोध करने का तरीका ये था, क्योंकि डायरेक्ट अगर 52% लोगों का विरोध करते, तो 52% लोग कांग्रेस के और बीजेपी के विरोधी हो जाते, और अगर 52% लोग विरोध में हो जाते तो दोनों पार्टियों का खात्मा हो जाता।
ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए ब्राह्मण राजनीति ने यह निर्णय किया कि इसका विरोध करना खतरनाक है। विरोध करने से पॉलिटिकल पावर चला जाएगा, समर्थन करने से एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चला जाएगा, तो विरोध भी नहीं करते हैं, समर्थन भी नहीं करते हैं, इसलिए राम मंदिर चलाते हैं, खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान का नारा लगा चलाते हैं, ऐसा दोनों ने चलाया जी। अब ये जो उन्होंने चलाया उस दौरान क्या हो रहा था, ओबीसी के लोग क्या कर रहे थे, ओबीसी के लोग राम मंदिर के आंदोलन में शामिल थे। मैं मेरा अपना व्यक्तिगत उदाहरण आपको बताता हूं कि मैं माजल गांव में एक प्रोफेसर धनगर जाति का था, उसको पूछा सर ये मंडल कमीशन की ओबीसी की लड़ाई लड़ना चाहिए, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया था धर्म खतरे है, धर्मो रक्षति रक्षम, धर्म को पहले रक्षा करो, धर्म फिर बाद में अपनी रक्षा करेगा, धर्म की रक्षा करने के लिए हमको काम करना चाहिए, मंडल का करने की जरूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने जवाब दिया था। तो उस समय ओबीसी के जो लोग है वो राम मंदिर के आंदोलन के समर्थन में थे, तो उस समय एससी एसटी के लोगों ने मंडल कमीशन का आंदोलन चलाया और उसके लिए काशीराम जी ने मैदान में जी ये मोर्चा संभाला था, जेल भरो आंदोलन भी दिल्ली में चलाया था जी। मैं आपको जनता पार्टी के अंदरूनी राजनीति का एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब चौधरी चरण सिंह की मृत्यु हुई तो चौधरी देवीलाल उसके नेता बने और तमाम नॉर्थ इंडिया के बैकवर्ड क्लासेस के लोग चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में इकट्ठा हो गए जी। तो चौधरी देवीलाल के पास बहुमत था, मगर वो प्रधानमंत्री बनने के बजाय उसने सांसदीय दल में उसको नेता चुना गया चौधरी देवीलाल को, मगर उसने वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो ये मंडल कमीशन का मामला फंसा हुआ था, तो मंडल कमीशन का मामला फंसा हुआ था तो वीपी सिंह ने क्या किया, क्योंकि वो कांग्रेस से आया हुआ गाग लीडर था, उसने क्या किया कि मंडल कमीशन को लागू करने के लिए जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की कमेटी बनी उसका चेयरमैन चौधरी देवीलाल को बनाया। उसके पीछे वीपी सिंह का यह मकसद था कि यदि चौधरी देवीलाल मंडल कमीशन लागू करता है तो जाट उसमें शामिल नहीं होंगे, तो जाट चौधरी देवीलाल के विरोध में चले जाएंगे लागू करता है तो। सर इसको लेकर एक सवाल मेरा ये है, और अगर लागू नहीं करता है तो बैकवर्ड क्लासेस के लोग जो उनके इसके सपोर्टर मेंबर है वो विरोध में चले जाएंगे। वीपी सिंह ने अपनी राजनीति करने की कोशिश की। मेरा सवाल सर ये है कि क्या उस समय वही मैं सवाल का जवाब दूंगा, मगर ये बात मैं बताना चाहता हूँ। अब हुआ क्या कि देवीलाल वीपी सिंह को क्या कह रहा था कि जाट जाति को मंडल में शामिल करके इसे लागू किया जाए जी। वो इस बात के लिए इस बात से टकराव पैदा होता रहा और इस टकराव में देवीलाल को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पद से हटा दिया गया। हटाने के बाद चौधरी देवीलाल जो है वो काशीराम जी को मिलने के लिए आए और काशीराम जी ने देवीलाल को समर्थन दे दिया जो रैली आयोजित की गई थी उसमें जी। अब उसकी वजह से वीपी सिंह संकट में फंस गया। इस संकट से निकलने के लिए ये संकट काशीराम जी की वजह से ज्यादा बढ़ गया। संकट से निकलने के लिए वीपी सिंह को मंडल कमीशन लागू करना पड़ा। तो कुछ हद तक मैं ऐसा मानता हूं कि काशीराम जी ने अगर चौधरी देवीलाल को समर्थन नहीं दिया होता तो शायद वीपी सिंह मंडल कमीशन लागू नहीं करते। तो कुछ हद तक इस बात का श्रेय जो है काशीराम जी को दिया जा सकता है उस समय के राजनीतिक दावपेच को ध्यान में रखते हुए, ऐसा मेरा मानना। सर मैं ये थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहूंगा कि क्या उस समय
जाटों की तरफ से ऐसी कोई मांग की जा रही थी कि हमें ओबीसी के शेड्यूल में डाला जाए, ओबीसी का रिजर्वेशन की डिमांड करने वाली कोई मतलब कोई बात जाटों की तरफ से उठाई गई थी? असल में ये जो चौधरी देवीलाल जो है या जाट लोग जो है जो अभी खुलकर रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं ना सारे नॉर्थ इंडिया में जी, अभी तो सारी बातें खुलकर आ रही है, उस समय ये खुलकर नहीं आ रही थी। उस समय क्या हो रहा था कि यदि जाट को माइनस कर दिया जाए तो जाट, कुर्मी, अहीर इन लोगों को इकट्ठा करके नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत चौधरी देवीलाल ने पैदा की थी जी। किसानों के नाम पर, किसानों के नाम ना, ऊपर में नाम दिया किसानों का जी। अंदरूनी रणनीति चौधरी देवीलाल की, चौधरी चरण सिंह की ये थी कि नॉर्थ इंडिया के कुर्मी, अहीर, कोयरी, यादव इन लोगों को अगर जोड़ दे तो ये मध्यवर्ती जातियां जो है इसका एक नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ी शक्ति बनेगी और ब्राह्मणों को वास्तविक रीति से इसका मुकाबला करने में वो कामयाब होंगे, ये रणनीति थी। अब इसमें क्या हुआ, ब्राह्मणों ने क्या किया, जो मंडल है वो बिहार का, उसको मंडल कमीशन का चेयरमैन बनाकर उन्होंने मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन में जाटों को माइनस किया। उसके पीछे मंडल की यह सोच थी कि इस राजनीति का जो चौधरी है वो जाट बन गया, अगर मंडल कमीशन में से इनको माइनस कर दिया जाए तो जाट के बजाय अहीर इसका चौधरी बन जाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अहीर लोगों का वर्चस्व बढ़ेगा। तो आपने देखा कुमार जी, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव और लालू यादव, ये तीन लोग संसद में इकट्ठा हुए और जाति आधारित गिनती के मुद्दे पर संसद को बंद कर दिया था जी। और कई सालों तक इन तीनों ने मिलकर केंद्र की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाई, बहुत बड़ी भूमिका निभाई और ये भूमिका जाट लोग निभाया करते थे, पहल करने का रोल उनके पास हुआ करता था और ये उनको सपोर्ट करते थे। तो ये इसमें जाट को मंडल से माइनस करने के पीछे जातीय राजनीति भी काम कर रही थी जी। और इसका परिणाम क्या हुआ कुमार, पोस्ट मंडल में अब धीरे धीरे जाट जो है बीजेपी की तरफ खिसक रहे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर पिछले चुनाव में जाट बीजेपी की तरफ खिसक गए। अभी जाटों ने और बीजेपी ने मिलकर ज्वाइंट गवर्नमेंट हरियाणा में बनाई, पंजाब में 15-20 साल तक बीजेपी और अकाली दल के लोगों ने, इसका मतलब जाटों ने मिलकर सरकार चलाई जी। तो ये राजस्थान में जाट और बीजेपी के लोगों ने फिर मिलकर वहां पर राजनीति की। तो मंडल के उभरने के बाद कई किस्म की बातें डेवलप हुई है, ये सारी बातें इस आधार पर कही जा सकती है। मिश्राम जी, जैसे मंडल कमीशन का मामला हो या कमंडल की राजनीति हो, उसका बैटलफील्ड नॉर्थ इंडिया में खासतौर पर उत्तर प्रदेश या बिहार ही रहा है और काफी बड़ा असर उसका इन दोनों राज्यों की राजनीति पर भी रहा। अब हम लोग जो वर्तमान में जो सारी परिस्थितियां है कि एक समय में मंडल राजनीति से इतने बड़े ताकतवर नेता है जिनका जिक्र भी आपने किया, 25-30 साल तक उन्होंने राजनीति चलाई, मगर आज कहीं एक मंडल आंदोलन कमजोर हो गया है और कमंडल की राजनीति हावी हो गई है क्योंकि पूरी तरह से उत्तर प्रदेश हो गया। कमंडल की राजनीति हावी हो गई है ऐसा आज दिखाई तो दे रहा है क्योंकि सारे जो, और उसकी वजह यह है कि जातीय राजनीति के वजह से ऐसा हुआ। जैसे बिहार में यादव जो है पॉलिटिकली कॉन्शियस है, कुर्मी पॉलिटिकली कॉन्शियस है, कुशवाहा पॉलिटिकली कॉन्शियस है, ठीक है, मगर जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लोग है बिहार में वो उतने पॉलिटिकली कॉन्शियस नहीं है,
इसलिए बीजेपी के लोग उनका इस्तेमाल करने में कामयाब होते हैं और उनका समर्थन लेते हैं इनके विरोध में और सरकार अपनी स्थापन कर लेते हैं, उस पर नियंत्रण अपना रखते हैं, पॉलिसी अपनी चलाते हैं। और मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लोग इसलिए खुशी मनाते हैं क्योंकि उन्होंने अहीरों को रोका, उन्होंने उनको रोका, यानी उनके मन में एक प्रकार से क्या कहा जाए कि ये जो जातीय प्रतिक्रिया है, इस प्रतिक्रिया का फायदा ले रहे हैं ब्राह्मणवादी राजनीतिक लोग। मगर पॉलिटिकली एमबीसी की जातियां उतनी पॉलिटिकली कॉन्शियस ना होने की वजह से वो अपना फायदा बीजेपी को लेने देती है, क्योंकि उसका फायदा जितना एमबीसी को होना चाहिए वो तो हो नहीं रहा है। सर, पिछले 30 सालों में ओबीसी की जो जातियां है इनका मंडलाइजेशन करने में आंदोलन करने वाले जो लोग हैं, जो मंडल के लिए भी बड़ा आंदोलन चला, सामाजिक लड़ाइयां भी वहां लड़ी गई, और दूसरी तरफ उनका ब्राह्मणाइजेशन या हिंदुआइजेशन करने का भी दौर चलता रहा, तो उसमें हम लोग ये देखने में मतलब दिखाई देता है कि ओबीसी का सामाजिकीकरण होने की बजाय उसका हिंदुआइजेशन करने में वो लोग सफल हुए, या ओबीसी का हिंदुआइजेशन हुआ, तो इस हिंदुआइजेशन को या ब्राह्मणाइजेशन को रोकने के लिए जो एक आंदोलन वहां चल रहा था उसकी क्या, उसका किस तरीके से आप अध्ययन करते हैं? सबसे अहम बात क्या है कि हमने ये अभियान चलाया था जी कि जाति जागृति ब्राह्मणवाद का भक्ष बनेगी जी, तो ये हिंदुआइजेशन नहीं है, ये ब्राह्मणाइजेशन जी है। ब्राह्मण ऐसा कहते हैं ये हिंदुआइजेशन हो रहा है, मगर हिंदुआइजेशन नहीं हो रहा, तो ब्राह्मणाइजेशन हो रहा है जी। मगर ये जाति जागृति की वजह से हुआ। अभी लालू प्रसाद यादव का नाम कोई छोटा नाम तो है नहीं जी, मुलायम सिंह यादव का नाम कोई छोटा नाम तो है नहीं, शरद यादव का नाम कोई छोटा नाम तो है नहीं, समझ रहे ना कुमार जी। मगर इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी का कोई राष्ट्रीय स्तर पर संगठन खड़ा किया जाए, राष्ट्रीय स्तर पर कोई आंदोलन खड़ा किया जाए, किसी ने भी प्रयास किया ऐसा कोई उदाहरण दिखाई नहीं देता ओबीसी के नाम पर। दूसरा, ब्राह्मणों को इन लोगों ने एमबीसी वर्सेस ओबीसी का झगड़ा लगाने के लिए मटेरियल प्रोवाइड किया ऐसा व्यवहार किया, सामाजिक न्याय के नाम पर ये लोग लड़ाई लड़ते रहे, लड़ना भी चाहिए, मगर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते वक्त अपने ही अधीन जो एमबीसी के लोग हैं उनके साथ न्याय नहीं किया। तो उसका मौका बीजेपी के लोगों को मिल गया। अब रोहिणी कमीशन का, रोहिणी कमीशन बनाया जी, वो बीजेपी आने के बाद बनी जी। अब बीजेपी को ये एमबीसी के लोग देश भर में वोट दे रहे, वो कमीशन बनाया मगर दबा के रख दिया जी। क्यों? क्योंकि इससे ओबीसी के जो लोग है वो नाराज हो जाएंगे और बीजेपी के विरोध में चले जाएंगे, इसलिए एमबीसी के लोगों की इंक्वायरी का कमीशन तो बनाया मगर बीजेपी ने इसके लिए कोई पहल करने का काम नहीं किया। और वो रोहिणी का जो रिपोर्ट जो अभी कुछ हद तक सामने आया उसके अनुसार एमबीसी का इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में 0% है जी। तो ये सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोगों के ऊपर कलंक है। लेकिन क्या कारण हुए कि जो सामाजिक आंदोलन से, मंडल के आंदोलन से जो राजनीतिक नेता निर्माण हुए उन्होंने वो सामाजिक लड़ाई जो है वो छोड़ दी? इन्होंने अपना केवल राजनीति, शुद्ध राजनीति, केवल शुद्ध राजनीति करते रहे ना। लेकिन राजनीति भी तो समाज के भरोसे पर ही की जाती है। मगर समाज से, जैसे ओबीसी को समाज कहा जा सकता है जी, जाति को नहीं कहा। केवल बिहार के केवल एक जाति को लेकर अगर कोई पार्टी चलाता है, मान लो लालू जी चलाते हैं अहीरों की, वो तो उसको समाज नहीं कहा जा सकता।
कुशवा चलाते हैं, कुशवा को लेकर उपेंद्र कुशवाहा, तो उसको समाज नहीं कहा जा सकता। अगर नीतीश कुमार कुर्मी को लेकर चलाते तो उसको समाज नहीं कहा जा सकता। अगर ओबीसी के लिए चलाया जाता तो माना जाता। तो यही बात जो है उत्तर प्रदेश में भी है। अभी बड़े पैमाने पर काशीराम जी के दौरान जी, जब मंत्रिमंडल में मंत्री लिए जाते थे तो ये खबरदारी लेकर के चॉइस करते थे कि लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, ओबीसी को भी मंत्रालय मिलना चाहिए, एमबीसी को भी मिलना चाहिए, शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी मिलना चाहिए, ये काशीराम जी ध्यान देते थे। मायावती ने भ्रष्टाचार का कार्यक्रम शुरू किया तब उनको लगा कि भ्रष्टाचार के लिए तो ओबीसी के लोग समर्थन नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार के लिए तो एमबीसी के लोग समर्थन नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार के लिए हमें अपने जाति का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो केवल जाति के हद तक उन्होंने अपने आप को लिमिटेड कर दिया। सर ये तो तरीका ब्राह्मण भी इस्तेमाल करते रहे, ब्राह्मण भी सत्ता में अपनी जाति का मैं यही कह रहा हूँ, ब्राह्मण करते रहे, ब्राह्मण का हजारों साल से उनका सारी व्यवस्था पर कब्जा है। जो परिवर्तन का आंदोलन चलाने वाले लोग वही टोने टोटके का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, केवल इस आधार पर तो इसका समर्थन नहीं किया जा सकता कि ब्राह्मण लोग गलत काम करते रहे हैं, भ्रष्टाचार करते रहे हैं, तो हमको भी भ्रष्टाचार करते हुए अपना काम चलाना चाहिए, ये तो नहीं कहा जा सकता। इसी भ्रष्टाचार का सहारा बनाकर मायावती का इस्तेमाल बीजेपी ने किया, मायावती का इस्तेमाल कांग्रेस ने किया, डर मायावती को जेल में भेजने का डर पैदा करके उसका समर्थन लेते रहे कांग्रेस वाले भी, बीजेपी वाले भी। सर अभी जी, अभी सर उत्तर प्रदेश के चुनाव है, मंडल की कर्मा मतलब लड़ाई उत्तर प्रदेश में चली, राम जन्मभूमि का आंदोलन भी वहां पर चला। अभी सर जब ये 30 सालों में ओबीसी को मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ने के लिए उसकी सामाजिक लड़ाई लड़ने का काम चल रहा था, उसी समय बीजेपी ने आरएसएस के लोगों ने कमंडल की बात चलाई और आज हम ये देखते हैं कि राम मंदिर भी वहां बनने की प्रक्रिया में शुरू है। और अभी कल परसों जो कैबिनेट का या मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ उसमें भी पिछड़े वर्ग की बहुत बड़ी हिस्सेदारी रही, 27 मंत्री उनके कैबिनेट और स्टेट मिनिस्टर बनाए गए। तो बीजेपी दोनों तरह से पिछड़ों को खुश कर रही है, हिंदू के नाम पर राम मंदिर भी दिया जा रहा है, मतलब कश्मीर का डिवीजन हो रहा है, 370 रद्द किया गया, ट्रिपल तलाक किया गया, और अब उनके मंत्री भी बनाए जा रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में बीजेपी के अंदर ओबीसी की जो मतलब ओबीसी के अंदर जो बीजेपी की पेट है वो और ज्यादा मजबूत नहीं होगी क्या इन सारी चीजों से? नहीं, इसमें क्या है कि ये बीजेपी और आरएसएस के लोग माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं कि हिंदू के नाम पर बीजेपी ओबीसी के कुछ वोट लिए जाए, कुछ वोट इनको खुश करके लिया जाए, और ये ध्यान रखा जाए कि ओबीसी के 28 मंत्री हमने बनाए तो सही मगर उनको पावर नहीं जाना चाहिए। तो ध्यान रखा कि उन्होंने उनको राज्य मंत्री बनाया और उनके लगभग सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है वो ऊंचे जाति के है। और अभी तक ये जानकारी और कोई खबर नहीं आई कुमार जी, कि कैबिनेट मिनिस्टरों ने इनको काम करने के लिए कार्यभार दिया है जी। किसी ओबीसी के मंत्री में ये औकात नहीं है कि वो प्रधानमंत्री के पास कंप्लेंट करे कि कैबिनेट मिनिस्टर ने हमको काम करने के लिए काम ही नहीं दिया जी। आपको याद होगा नीट के बारे में जब सारे देश भर में हम लोगों ने ज्ञापन दिलवाया, नेशनल लेवल तो हमारा ही मूवमेंट है जी, धरना प्रदर्शन भी राष्ट्रीय स्तर पर हमने किया और हम ही ये मुद्दे उठा रहे हैं कि ये नामधारी मंत्री बनाए हैं जी। अब मंत्री बनाए नामधारी क्यों है? क्योंकि अगर मंत्री है तो मंत्रिमंडल ने निर्णय होना चाहिए ना जी। क्या कुमार समझ में आया जी? अगर मंत्री है तो कैबिनेट में निर्णय होना चाहिए, कैबिनेट मिनिस्टर ज्ञापन देने के लिए प्रधानमंत्री के पास जाते हैं। अरे ज्ञापन देने के तो वामन मेघराम भी जिलाधिकारी कार्यालय में जा रहा है, वामन मेघराम तो मंत्री नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने जिस ओबीसी के लोगों को मंत्री बनाया वो भी ज्ञापन दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे तो मंत्री काहे के लिए बनाया? मंत्री के पास अधिकार होना चाहिए ना निर्णय करने का। एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, वो प्रधान है धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान वो
ओडिशा का ओबीसी है बोलते हैं जी, मगर वो फैसला विरोध में कर रहा है ओबीसी के। तो हमें तो नहीं लगता कि अगर वो ओबीसी का मिनिस्टर है और अपने ही लोगों के विरोध में खुद ही फैसला कर रहा है, ये बात सही नहीं है कुमार जी। ये फैसला उसने नहीं लिया, ये फैसला उसके ऊपर थोपा गया, बाहरी फैसला है जी। क्योंकि इनके पास पोजीशन होती है, पावर नहीं होता है जी। मगर पोजीशन का प्रोपोगंडा करना वोट लेने के लिए फायदा देता है जी। मेरा सवाल वही, आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कुमार जी, कि नरेंद्र मोदी ने उन लोगों को पावर देने के लिए मंत्री नहीं बनाया, वोट लेने के लिए मंत्री बनाया, और इसीलिए उनका प्रोपोगंडा शुरू कर दिया जी। मेरा सवाल वही था सर, मेरा सवाल वही है, मेरा क्या कहना है, प्रोपोगंडा करने के लिए, वोट लेने के लिए मंत्री बनाया, शो करने के लिए मंत्री बनाया, और अभी ऐसा सुनने में आया कि उन मंत्रियों को अपने अपने भौगोलिक क्षेत्र में आशीर्वाद यात्रा के लिए भेजा जा रहा है जी। बहुत ज्यादा चिंता में है बीजेपी आरएसएस के लोग कि लोग कहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव ना हरवा दे जी। बहुत दबाव में है, उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी चुनाव हार गई तो 2022 के बाद बहुत बड़ा विशाल आंदोलन बीजेपी के विरोध में खड़ा हो जाएगा देशव्यापी जी। मेरा पूछने का सवाल का मकसद यही था कि अगर बीजेपी इन सारे हथकंडों से पिछड़े वर्ग के अंदर अपनी पेट बनाने में कामयाब हो रही है, तो उसको कमजोर करने के लिए या उसको काउंटर करने के लिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन बामसेफ किस तरीके से उसके विरोध में काम कर रही है, उसको काउंटर करने का काम कर रही है। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो टोने टोटके वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये केवल धोखाधड़ी लेने का काम कर रहे हैं, ये परिवर्तन यात्रा के द्वारा लोगों को बताने का काम किया जा रहा है जी। और चुनाव में भी ये बातें बड़े पैमाने पर उठाई जाएगी जी। चुनाव में इन मुद्दों को मुद्दा बनाया जाएगा। हम लोग वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में ये मुद्दे सारे सारे उत्तर प्रदेश में उठाएंगे बड़े पैमाने पर जी। सर, जब भी आरक्षण की बात होती है या मंडल कमीशन है, जाति आधारित जनगणना है, तो मीडिया जो है एक अलग पर्सपेक्टिव बनाने की कोशिश करता है, उसमें जातियों को बांटने या वोट पॉलिटिक्स, कोटा पॉलिटिक्स की बात है ये, इस प्रकार से पर्सपेक्टिव बनाने की कोशिश करता है, आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? देखो, अगर समाज जातिग्रस्त है और जातियों के टुकड़ों में बटा हुआ है और न्याय उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये मुद्दे तो इस तरह से समाज में उठेंगे। और मीडिया पर ब्राह्मण बनिया लोगों का कब्जा है, उनको खतरा महसूस होता है, तो वो लोग इसको डिवाइड करके कंफ्यूज करने का काम करते रहेंगे। उनके पास हथियार है तो उसका उपयोग करेंगे। अभी देखो, एक बड़ा नरेशन आ रहा है कुमार जी, एक बात उठाई जा रही है कि जो सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग थे वही जाति आधारित जनगणना की बात उठा रहे हैं जी। अरे इसमें मुझे तो किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रेडिक्शन नजर नहीं आता, मगर उन लोगों को नजर आता है जो लोग ऐसा लिख रहे हैं। जाति आधारित जनगणना लोगों को संख्या के अनुपात में अधिकार देने की बात है। जब ओबीसी को अधिकार मिलेंगे तो ओबीसी को अधिकार मिलने से जातिवाद कैसे बढ़ेगा जी? एक जाति को अधिकार मिलने से बढ़ेगा जी। एक तो ये जाति आधारित गिनती होनी चाहिए, फिर गिनती के आधार पर कैटेगराइजेशन होना चाहिए। कुमार, आपको पता है हमारा स्टैंड ऐसा है जी। और एमबीसी को संख्या के अनुपात में उनके अधिकार मिलने चाहिए और उनका स्पेशल स्टडी ले करके उनको रिप्रेजेंटेशन बहाल होना चाहिए।
अब सर 30 साल का मंडल समय का मंडल आंदोलन का एक पीरियड गया, 30 साल किसी भी समाज के लिए, किसी भी राजनीतिक या सामाजिक संगठन के लिए बहुत बड़ा समय होता है, और आने वाले समय में भी मंडल का एक हम लोग कहते हैं कि पार्ट वन एक है, पार्ट टू है। इन 30 सालों के बाद आने वाले समय में अगर कोई लड़ाई लड़नी है तो उसे लड़ने के लिए मंडल के जो अनुयायी रहे या मंडल आंदोलन के जो समर्थक रहे या उसके लाभार्थी जिसको हम कहे या उसकी बात बढ़ाने वाले जो लोग हैं, उनको आने वाले समय में किस तरीके की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्या चैलेंजेस हैं उनके सामने? नहीं, पहले नंबर की बात तो ये है कि केवल सिंगल जाति के आधार पर जो लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, राजनीति करते हैं, उन लोगों को जब तक वो ओबीसी के नाम पर कोई मामला खड़ा नहीं करेंगे तब तक बहुत बड़ा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, एक बात। दूसरी बात, सामाजिक न्याय की लड़ाई अगर लड़नी है तो समग्रता में लड़नी होगी और सब लोगों के न्याय की व्यवस्था करने के सिद्धांत विकसित करने होंगे अनुभव के आधार पर कि ओबीसी होमोजेनियस ग्रुप नहीं है जी। ओबीसी में एससी एसटी ओबीसी से कन्वर्टेड मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, जैन है, लिंगायत है। दूसरा और एक फैक्टर है, वो फैक्टर है, वो है किसान जातियां जिनकी तुलनात्मक दृष्टि से कुछ आर्थिक स्थिति ठीक है। तीसरा मुद्दा है एमबीसी का, इनकी संख्या भी अल्प है और इनका आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है और इनका राजनीति में प्रतिनिधित्व भी नहीं के बराबर है। और चौथा मुद्दा है ओबीसी के लिस्ट में, वो है नॉमिनिक ट्राइब को बहुत गलत तरीके से मंडल कमीशन में शामिल किया गया। नॉमिनिक ट्राइब को एमबीसी ओबीसी के लिस्ट में शामिल नहीं किया जा सकता, एमबीसी में भी शामिल नहीं किया जा सकता, वो ट्राइब्स है, नॉमिनिक ट्राइब्स है, वो अलग है, उनकी समस्या अलग है, उनकी बीमारी अलग है, तो जैसी बीमारी होगी वैसा इलाज करना होगा ना। ओबीसी के लिए जो इलाज है वो नॉमिनिक ट्राइब के लिए कैसे इलाज होगा, नहीं होगा। इस तरीके से सोचना होगा और इस तरीके से सोचकर रणनीति बनाकर नेशनल पर्सपेक्टिव में नेशनल मूवमेंट खड़ा करना होगा। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि ओबीसी के तरफ से ऐसी कोई पहल होगी, ये बामसेफ के तरफ से ही ऑल इंडिया लेवल पर पहल करना होगा और हम लोग इसको आने वाले 10 साल में करेंगे, नेशनल लेवल पर करेंगे, हमारे पास जो नेटवर्क है उसका उपयोग करेंगे और नेशनल लेवल पर इस मूवमेंट को खड़ा करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, ये बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेश्राम साहब थे, उन्होंने मंडल कमीशन के 30-31 सालों की समीक्षा करते हुए कहा कि अभी तक ओबीसी का कोई भी राष्ट्रीय स्तर पर संगठन नहीं है और ना ही कोई आंदोलन है, और बामसेफ इस कमी को पूरा करने के आने वाले समय में कोशिश करेंगे। आप सभी को मंडल दिवस की हार्दिक बधाइयां, और ये जो चर्चा हमने अब तक की है उस पर आपकी क्या राय है, क्या सोच है, ये हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। आपका सवाल भी अगर इससे रिलेटेड कुछ है तो वो सवाल भी हमें भेजिए। मिश्राम साहब से अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो वो सवाल भी हमें लिखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया।